को स्वागत कर रहा हूं। हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और लगातार यूपीएससी सीएससी के इंटरव्यूज को कवर कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत बढ़िया रहा। आपके बारे में हम क्या जान सकते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या यूं कहें कि इंट्रोडक्शन? मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, 2019 पास आउट हूँ, और मैंने अपना 2021 में स्टार्ट की थी यूपीएससी की प्रेपरेशन। 21 में मेरा पहला अटैम्प्ट था जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ और वो सिर्फ 0.8 मार्क्स से रह गया था। तो मैंने सोचा चलो अगली बार हो जाएगा, 1.8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स दिया, हुआ अच्छा से। मेरा मेंस नहीं हुआ तब मेरे 20-30 मार्क्स कम रह गए थे मेंस में। तो वही एक मोटिवेशन होती है कि अब ये तो कर ही लेंगे, अब इतना ही रह गया, ये तो क्या ही होता है। तो इस साल बढ़िया मेंस हो गया मेरा, तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है पर फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, प्रीलिम्स में जब शुरुआत में विफलता मिली तो कौन से वो पॉइंट थे जो आपको लगा कि ये कवर नहीं हुए, ये मुझे कवर कर लेने चाहिए? मुझे लगता है प्रीलिम्स में हम जो कहते हैं कि इंटेलिजेंट गैसिंग, वो है कि वो इंटेलिजेंट ही होनी चाहिए। ब्लाइंडली गैस एक क्वेश्चन भी ना करो, आप चाहे 70 कर लो, 60 क्वेश्चन कर लो, कोई ऐसा नहीं होता कि इतने क्वेश्चन मिनिमम ही करने हैं। बट हर किसी को 30-40 के ऊपर नहीं आते, जो अच्छा पढ़कर आया उसको 40-45 आते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पेपर में से। बाकी हुए पेपर में आजकल के पैटर्न के हिसाब से और कम लगा लो चाहे, उसके बाद आपको गैस लेना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता। जो आपने पढ़ा है शायद आपकी ज्योग्राफी की नॉलेज इकोनॉमी के क्वेश्चन में काम आ जाए, हिस्ट्री के क्वेश्चन में काम आ जाए, ये आपको इंटरलेटेड तब एक क्वेश्चन पे अपनी सारी नॉलेज लगा दो और आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, और अगर फर्स्ट इंस्टिंक्ट में लग रहा है कि ये हो सकता है तब लगा दो। और बहुत ज़्यादा सोचोगे एक क्वेश्चन पे जो गेस कर रहे हो तो फिर मत, वो ख़राब हो जाता है क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए PYQs की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप कितने साल के जो है PYQs तैयार करके आए, क्या आपने उधर ध्यान दिया या कोई दूसरी आपकी रणनीति रही? मैंने ज़्यादा तो नहीं PYQs के, पहले अटैम्प्ट में मैंने पिछले 2-3 साल के किए और वो भी जो आ जाते हैं, एक बुक मिलती है उसमें बुक के थ्रू कर लिए, क्योंकि मैं उससे पहले CDS के पेपर देते रहा था तो मुझे पता था कि UPSC ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। और मैं ये था कि मुझे एक बार सब पढ़ लूँ उसके बाद टेस्ट सीरीज़ दे दूँ। मैं हर बार 40-50 टेस्ट सीरीज़ दे देता हूँ, तुम्हारे टेस्ट सीरीज़ से तुम्हें ये हो जाता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने पढ़ा हुआ है, अब जो भी क्वेश्चन आएगा मैं कर दूँगा, चाहे जैसे मैं इसे कर दूँगा। थोड़ा अपनी बुक लिस्ट अगर आप थोड़ा सा 2-4 लाइनों में मैं बता पाएँ उसके बारे में थोड़ा मेंशन करें। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वैसी ही हैं, मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आज तक नहीं पढ़ी, पॉलिटी के लिए खुद के नोट्स बनाए थे लक्ष्मीकांत और अदर वेबसाइट से, और थोड़ा हमारी कोचिंग जैसे CPL से ट्रेनिंग कोचिंग की है मैंने चंडीगढ़ में वहाँ से। और हिस्ट्री में तुम NCERT ही पढ़ो, स्पेशली न्यू वाली थीम्स वाली, क्योंकि वो तुम्हें मेंस में बहुत काम आती है। ज्योग्राफी में मैंने एक बुक आती है PMFIS की, वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत है, प्रोवाइडेड तुम इन सब के करंट अफेयर करो। प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर करो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के, बस यही तीन चार सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर बहुत होते हैं, वो पॉलिटी के करंट अफेयर नहीं आएंगे। और जो रहे सब्जेक्ट एनवायरनमेंट बता दिए मैंने, इकोनॉमिक्स का आपको एक टॉपिक उठाओ, चाहे NCERT में रमेश सिंह जैसे बहुत मोटे होते, मैंने पढ़ी नहीं, मैंने अपना ज़्यादातर रिलाई मेरे सर के नोट से ही किया, राघव सर के, और उसके बाद जो करंट अफेयर आते हैं उससे कैसे तुम न्यू नॉलेज कर सकते हो। RBI अगर मॉनेटरी पॉलिसी हाइक कर रहा है तो तुम्हें तब की तब याद आना चाहिए कि क्यों कर रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ना कि तुम्हें नोट्स देखना पड़े, तो तुम्हारी इकोनॉमिक स्ट्रांग है। ये प्रीलिम्स के लिए था। तो सर, आपने सेल्फ स्टडी की है या आप कोचिंग के लिए गए, आपने कहीं से सहायता प्राप्त की? मेरी कोचिंग है CBL UPSC मोहाली चंडीगढ़ में है, पर मैं ये बोल रहा हूँ जो भी कोचिंग के एस्पायर कर रहे हैं कि कोचिंग तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा तुम्हारी जनरल स्टडी में, उसके बाद बाकी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद एनालाइज करो, सोचो कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आएगा तो मैं क्या करूं और क्या तुम्हें याद रह रहा। पर बहुत फैक्ट्स याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स के ज़रूरी हैं, मेंस में बहुत काम आएंगे, उसके बाद नहीं याद रहते तो कोई बात नहीं। पॉलिटी के लिए मैं ये कहूँगा मेंस में स्पेशली कि एक आर्टिकल और एक कोर्ट केसेस ये ज़रूर लिखो और चाहे 2-3 दिन याद करो, तो ये इम्पैक्ट डालते हैं। आपने बताया कि जो प्रीलिम्स में आप बहुत बहुत कम मार्जिन से कहीं ना कहीं सफलता से दूर हो गए थे, तो उस समय कितना डिमोटिवेटेड आपने फील किया, या कुछ ऐसे पल आए आपकी इस यात्रा में जब आपको लगा कि UPSC बहुत टफ हो गया है, शायद मेरे रास्ते बहुत मुश्किल, कभी डिमोटिवेशन फील हुआ आपको? नहीं, मुझे आज तक कभी किसी चीज़ के भी लेकर डिमोटिवेट नहीं फील। इसका विशेष कारण कोई?
एक ही चीज है, जैसे मुझे आज तक सिखाया भी गया है कि निष्काम कर्म का प्रिंसिपल, तुम अपना काम करते जाओ, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा कुछ। अगर तुम एंड पे बहुत ज़्यादा ही पोजेशन कर दोगे तुम्हारे मीन्स खराब होते हैं, तो अपना मीन्स पे ध्यान दो, एंड अपने आप आ जाएगा। आपने स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया है या दूसरे जो विषय हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया है तैयारी के लिए? दोनों इक्वली हैं। प्रीलिम्स में बहुत स्टैटिक भी आता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर बोल दो, वो सारा स्टैटिक है। बट अगर आप कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आपको जो डायनेमिक पार्ट तब आ जाता है कि आपको पता है या नहीं, कोई करंट अफेयर में आ गया वो आर्ट एंड कल्चर, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन चीज़ों को आप डायनेमिक बोल देते हो, बट वो है तो स्टैटिक ही, आप पढ़ चुके हो एक बार। तो जो सब्जेक्ट्स बहुत ही स्टैटिक हैं, हिस्ट्री हो गया, वो आप स्टैटिक पढ़ते रहोगे आप बार बार। जो ये स्टैटिक को बार बार पढ़ो, डायनेमिक को चाहे दो तीन बार पढ़ लो। अच्छा, बोला ये जा रहा है या हमें एस्पिरेंट्स या जो भी इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे हैं, मोस्टली जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं रिवीजन बहुत आवश्यक है। आप अपना जो पढ़ाई लिखाई का दायरा है उसे सीमित रखिए, लेकिन बार बार रिवाइज कीजिए, आपका टेक? हाँ, मैंने जैसे बोला कि बार बार पढ़ो, एक ही बुक को तीन बार पढ़ लो बजाय कि तीन बुक को एक बार पढ़ो। इससे तुम्हारा क्या होगा कि एक ही बुक से, अगर सब बुक्स में नॉलेज बराबर ही लिखी होती है, हमें लगता है कि हम तमिलनाडु की बोर्ड की भी पढ़ लें, इस बोर्ड की भी पढ़ लें, हिस्ट्री वही है, सब में वही रहेगी। इससे बढ़िया कि तुम एक बुक को पढ़ो और टेस्ट दो। तुम्हें नहीं आता होगा, टेस्ट में क्वेश्चन होगा, गलत कर दो, वो गलत किया क्वेश्चन तुम्हें हमेशा याद रहेगा, तो इससे तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ेगी। लास्ट में दो सवाल आपसे, एक तो आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ ज़्यादातर एडवेंचर एक्टिविटीज़ ही हैं, मेरे को थोड़ा मोटो बाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब ज़्यादा पसंद है। लास्ट में हमारे जो व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं उन्हें आप गाइड करना चाहें कि देखिए यूपीएससी की तरफ आना है तो दो चार ये पॉइंट है भाई, इन्हें ध्यान रखना और फिर आना। एक तो कि आप जो भी आप बेसिक पढ़े हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन की है, किसी चीज़ में टेंथ, अगर जो अभी पढ़ रहे हैं चाहे स्कूल में कॉलेज में, उस पर ध्यान दो। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, पढ़ो, क्योंकि जब आप, चाहे आपने तैयारी शुरू की है नहीं करी है, जब आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। जब आप तैयारी कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर समझ आने लग जाएगा। और अगर आपने शुरू करनी है तैयारी, एक गाइडेंस ले लो किसी की, क्योंकि वो आपका टाइम सेव करेगा। बट ये मत सोचना कि सिर्फ गाइडेंस ही काम आएगी। लास्ट में, हालांकि मैंने लास्ट कहा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं वो क्या यूपीएससी के सपने देख सकते हैं? उनके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, या फिर ये उनके लिए बना है जो बड़े बड़े घरों में, अगर मैं यूँ कहूँ कि सोने की चम्मच मुँह में लिए पैदा हुए? ये कुछ नहीं है, ये यूपीएससी का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। अगर आप मेहनत मांगता है, मेहनत कर सकते हो तो आ जाओ। ना पैसा मैटर करता है, ना बैकग्राउंड मैटर करता है, बस सिर्फ एक मेहनत मैटर करती है। बहुत सी न्यूज़ है, तुम पहले भी सुना होगा कि कोई एक्स वाई जेड रिक्शे वाले का बेटा बन गया, तो बनते हैं क्योंकि वो मेहनत है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी आपकी रैंक आए, आप सिविल सर्विसेज का नेतृत्व करते नजर आए, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।